गुड मॉर्निंग गाइस, आज मैं SBI का जो नया ATM है उसको पिन जनरेशन कर रहा हूँ। चलिए ATM का जो है इसमें इंसर्ट कर रहे हैं। इंसर्ट करने के बाद आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये बोल रहा है कि ATM जो है पैसा नहीं है, बट अदर प्रोसेस जो है आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो कंटिन्यू करते हैं। जैसे ही कंटिन्यू करेंगे तो आपको ये लैंग्वेज जो है सेलेक्ट करने का ऑप्शन है, तो इंग्लिश मैंने सेलेक्ट कर लिया। और इसमें आपको पिन जनरेशन करने का ऑप्शन ढूंढना है। आपको लेफ्ट साइड में थर्ड नंबर पर आपको दिख जाएगा पिन जनरेशन का ऑप्शन, उस पर क्लिक करना है पिन जनरेश। जैसे ही क्लिक करिएगा तो आपका जो है यहाँ पर अकाउंट नंबर जो है पुट करने के लिए बताएगा। तो आपका जो अकाउंट नंबर है 11 डिजिट का, वो यहाँ पर डाल दीजिए। अकाउंट नंबर जैसे ही डालिएगा तो आपका जो है नेक्स्ट ऑप्शन में आपको मोबाइल नंबर आपको प्रेस करने के लिए बोलेगा। जो आपका मोबाइल नंबर है रजिस्टर्ड है आपके इसी SBI बैंक में, वही नंबर आप प्रेस करिएगा, दूसरा नंबर नहीं डालिएगा। क्योंकि दूसरा नंबर जैसे ही डालिएगा लेगा, मतलब इसमें होगा ही नहीं, प्रोसेस ही नहीं होगा। तो आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वही नंबर यहाँ पर प्रेस करिए, क्योंकि OTP जो आएगा इसके बाद, देखिए ये प्रोसेस हो रहा है और यहाँ पर ट्रांजैक्शन जो है कंप्लीट हो गया। और जैसे ही ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगा अपना कार्ड ले लीजिए और अपना जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो आप अपने पास रखें, उसी पर आपको OTP आएगा। और OTP जो लिखा रहेगा वो टेक्स्ट में लिखा रहेगा, और उस टेक्स्ट को इसमें ATM को फिर से इंसर्ट करिए अपना दोबारा। जैसे ही इंसर्ट करिएगा तो आपको इसमें फिर वही ऑप्शन बता रहा है कि आप पैसा नहीं निकाल सकते, बट आप अदर जो है प्रोसेस कर सकते हैं। तो इंग्लिश मैंने प्रेस किया, और यहाँ पर आपको पिन जनरेशन पर क्लिक नहीं करना है, बैंकिंग पर क्लिक करना है। देखिएगा बैंकिंग सेकंड ऑप्शन आपको दिख रहा है, बैंकिंग पर जैसे ही मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर आपको नेक्स्ट ऑप्शन जो होगा पिन चेंज का ऑप्शन होगा। पिन चेंज का ऑप्शन राइट साइड में आपको दिख रहा है, ये ऑप्शन जो है लेफ्ट साइड में भी हो सकता है, बट हम यहाँ पर आपको राइट साइड में थर्ड नंबर पर शो कर रहा है। पिन चेंज का ऑप्शन क्लिक करते ही आपको जो है कोई सा 10 से 99 के बीच में कोई सा भी डिजिट आप सेलेक्ट करिए। यहाँ जो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में जो OTP आया है वहीं आपका करेंट पिन होगा, तो वो नंबर यहाँ पर प्रेस करें। करेंट पिन डालने के बाद आपको नया पिन जो है यहाँ पर आपको 4 डिजिट का होता है वो यहाँ पर डालना होगा। आप पहले ही सोच ले, सेट कर ले कि आपको 4 डिजिट का नंबर कौन सा सेट करना है, और उसके बाद फिर से री इंटर करें वही नया पिन जो है। नया पिन इंटर करने के बाद आपका ये ट्रांजैक्शन जो है कंप्लीट हो जाएगा, और इसके बाद आपका जो है पिन चेंज हो गया सक्सेसफुली। गाइज ये रही पिन जनरेशन के बारे में कुछ जानकारी। अगर ये जानकारी अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा दोस्त।